हेलो स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर कि होलसेलर एंड रिटेलर विच की डिफरेंस हुंदा। होलसेलर मीन्स थोक विक्रेता, रिटेलर मीन्स परचून विक्रेता। सो आपां इन्हां विच डिफरेंस देखांगे की है। फर्स्ट आएंदा पोजीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि होलसेलर दी की पोजीशन हुंदी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे विच। फर्स्ट कि जो होलसेलर हुंदा इह लिंक हुंदा किंदे विच, मैनुफैक्चर एंड रिटेलर दे विच। इह लिंक दा काम करदा मैनुफैक्चर ते रिटेलर च। ते रिटेलर कौन हुंदे आ? इह लिंक हुंदा होलसेलर एंड कंज्यूमर दे विच। सो इह क्लीयर आ कि पहला कौन आंदे आ? होलसेलर किंदा लिंक होएगा? मैनुफैक्चर एंड रिटेलर। ते रिटेलर किंदा लिंक होणगे? होलसेलर एंड कंज्यूमर। नैक्सट आ जांदा क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शनस कि किन्नी क्वांटिटी दे विच ट्रांजैक्शनस करदे आ। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी विच करदे आ, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी विच करदे आ। नैक्सट आ जांदा कैपीटल। कैपीटल मीनस पूंजी कि इन्हां नूं किन्नी पूंजी चाहीदी आ। होलसेलर नूं लार्ज कैपीटल चाहीदी आ ते रिटेलर नूं स्मॉल कैपीटल चाहीदी अपने बिजनेस नूं मैनेज करन दे लई। नैक्सट आ जांदा टाइप ऑफ गुड्स कि किस तरह दे गुड्स दे विच ही डील करदे आ। होलसेलर स्पेसिफिक टाइप दी गुड्स विच डील करदे आ ते रिटेलर लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच डील करदे आ। नैक्सट आ जांदा स्टोरेज। स्टोरेज दे विच आंदा कि जिहड़े होलसेलर आ इह अपनी स्टोरेज कित्थे करदे आ? गोडाउनस दे विच, वेयरहाउस दे विच, उत्थे गुड्स नूं स्टोर करके रखदे आ। बट रिटेलर अपने गुड्स दी डिस्प्ले करदे आ शॉप दे विच। नैक्सट आ जांदा लोकेशन कि इन्हां दी लोकेशन किहड़ी हुंदी आ? होलसेलर उत्थे होणगे जिथे कंट्रोल कर सकन मार्केट नूं, ठीक है ना। कंट्रोल प्लेस ऑफ मार्केट इह उह जगह ते लोकेटड होणगे। ते बट रिटेलर कित्थे होणगे? रिटेलर कंज्यूमर दे नेड़े होणगे तां जो कंज्यूमर उहनां कोल गुड्स परचेज कर सके। नैक्सट आ जांदा टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। टर्म ऑफ ट्रांजैक्शनस दे विच आ जांदा गुड्स ऑन क्रैडिट बेस। इहदे विच की आ? होलसेलर उधार ते चीज़ां वेच दिंदे आ, बट रिटेलर मोस्टली कैश बेसिस ते ट्रांजैक्शनस करदे आ। नैक्सट पॉइंट आ जांदा सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप दे विच आ जांदा दे मे नॉट बी गुड सेलमैन, इह गुड सेलमैन नहीं हैगे, बट रिटेलर की हुंदे आ? गुड सेल्समैन हुंदे आ, ठीक आ। इन्हां ने जे होलसेलर गुड सेलमैन नहीं हैगे तां वी चल जाएगा, बट जे रिटेलर नूं डील ही नहीं करना आ रहा कंज्यूमर दे नाल ते फिर वह किवें अपनी गुड्स सेल करेगा। सो रिटेलर का गुड सेलमैन होना बहुत जरूरी है। नैक्सट आ जांदा वा मार्केट इनफॉर्मेशन। होलसेलर कोल कंप्लीट मार्केट इनफॉर्मेशन हुंदी है, ठीक है। तो बट रिटेलर ने की ध्यान च रखना हुंदा? उन्हें जस्ट उन्हें ध्यान देना हुंदा वा टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर कि कंज्यूमर दी की लाइकिंग आ, की डिसलाइकिंग आ, उन्हें उन्दे ते फोकस करना। नैक्सट आ जांदा रिलेशनशिप कि जिहड़ा अपना होलसेलर आ इह मोर क्लोज टू द प्रोड्यूसर, इह प्रोड्यूसर दे ज़्यादा नेड़े हुंदे आ ते कंज्यूमर तो दूर हुंदे आ। बट रिटेलर की आ? ओपोजिट आ। रिटेलर के प्रोड्यूसर तो दूर होणगे, कंज्यूमर दे नेड़े होणगे। नैक्सट आ जांदा एडवरटाइजमेंट। एडवरटाइजमेंट मतलब मशहूरी, ठीक है। होलसेलर अपने प्रोडक्ट की एडवरटाइजमेंट किवें करदे आ? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टैलीविजन राही। तो रिटेलर किदा करदे आ? डिस्प्ले करके गुड्स नूं। नैक्सट आ जांदा नंबर, ठीक है। किन्ने नंबरस विच हुंदे आ? द नंबर ऑफ होलसेलर इज क्यूट स्मॉल कि इन्हां दा नंबर की हुंदा? घट हुंदे आ। तो एक ट्रेड की ने बिग सिटीज़ दे विच करदे आ, होलसेलर की काउंटिंग घट हुंदी आ। बट रिटेलर की है? इन्हां दे ज़्यादा हुंदे आ रिटेलर, तो हर एक रेजिडेंशियल लोकैलिटी दे विच आपां नूं मिल जांदे आ। नैक्सट आ जांदा एलीमिनेशन। एलीमिनेशन मीनस उन्हां नूं विचों कढ़ना डिस्ट्रीब्यूशन चेन चों। होलसेलर नूं एलीमिनेट करना ईजी आ, बट आपां रिटेलर नूं इन्नी जल्दी एलीमिनेट नहीं कर सकते। फिर 14th पॉइंट आ जांदा आफ्टर सेल सर्विस। होलसेलर डू नॉट प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विस, ये सेल तो बाद सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, बट रिटेलर की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते। नैक्सट पॉइंट आ जांदा प्राइस। जिहड़ा होलसेलर आ, होलसेलर का प्राइस हमेशा लैस हुंदा वा रिटेलर के प्राइस नालों, बट रिटेलर का प्राइस की हुंदा? होलसेलर के प्राइस नालों
ज़्यादा होएगा। 16th पॉइंट आ जाता परपज ऑफ सेल कि इन्हों का की परपज है। ठीक है, होलसेलर की है, इन्हों का परपज होंगे रीसेल कर। ठीक है, बट रिटेलर का परपज की होंगे कि फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, कि जोड़े कंज्यूमर है इन फाइनली कंज्यूम कर सकन, ये इनका परपज हों। सो राजे ये आपां कीता डिफरेंस होलसेलर ते रिटेलर दे विच। नैक्सट आपां करांगे मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर की हुंदे आ? मोस्टली सब तो पहला फ्रांस दे विच ए डिपार्टमेंटल स्टोर फाउंड किए गए हैं। जिहड़े मेन फेमस किहड़े सीगे, बॉन मार्शे एंड लूब्रे। ठीक है, ये बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल सीगे जिहड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आए सीगे, ते वर एस्टैबलिश फर्स्ट ऑफ ऑल इन पैरिस, ए पैरिस दे विच दिते गए सीगे। द सक्सैस ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर इन फ्रांस बिकम द इंस्पिरेशन फॉर बिजनेसमैन ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी एंड यूएसए। वो कहिंदे कि जिहड़ी सक्सैस हो गई सीगी, ठीक है, जदों सारे ने देखा कि डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत वधिया चलते पे आ, ठीक है, फिर उन्होंने की किया, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए, उन्होंने भी मैथड रिटेल ट्रेडिंग का मैथड नू अडोप्ट किया। डिपार्टमेंटल स्टोर एक रिटेल ट्रेडिंग का ही मैथड आ। नैक्सट इनका इनका मीनिंग की आ, डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे की आ? ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड लार्ज वरायटी ऑफ गुड्स, ये की करते हैं, लार्ज वरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं। देर इज अ सैपरेट डिपार्टमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ, एक छत हेठा, इतने एको छत के हेठा अलग अलग डिपार्टमेंट बने होंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट हर एक डिफरेंट गुड्स के ही डील करेंगे, जिवें स्पैसीफिक डिपार्टमेंट एक स्पैसीफिक गुड न ही रिलेट करेगा। द कंज्यूमर कैन हैव एवरीथिंग ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम पिन टू प्लेन, एक सुई तो लैके प्लेन ते आप स्पेयर पार्ट तक की गल कर लिए, हर एक चीज उतों आपू मिल जाती है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर की सी, डिपार्टमेंटल स्टोर के लार्ज वरायटी ऑफ गुड्स मिलती है। ठीक है, सैपरेट डिपार्टमेंट होंगे ईच काइंड ऑफ गुड्स, हर एक गुड्स के रिगार्डिंग एक सैपरेट डिपार्टमेंट होएगा, बट ये सारे कितने होंगे वन रूफ के अंडर ही आपू मिल जाएंगे। नैक्सट है इनका द मेन आइडिया बिहाइंड द डिपार्टमेंटल स्टोर इज टू इनक्रीज द सेल, मेन इनका फोकस किंदे ते सीगा कि असी की करनी है सेल नू इनक्रीज करनी है, ता जो कंज्यूमर जड़ा अपना वह भी कंफर्टेबल हो गए। फिर किवें, जिथे राजे आपां तो अलग अलग जगह तो लैके जाके अलग अलग समान लेना पऊ, कितने कस्टमर नू इको छत दे हेठा सारा समान मिल जाना, ते ओ की होएगा कंफर्टेबल होएगा अपना कस्टमर, जदों कस्टमर कंफर्टेबल आ सेल वो जी गुड्स सेल किए जा रही उन्होंने परचेज तो करेगा ही। सो इन की होंगे अपनी सेल भी इनक्रीज होंगी है। दीज शॉप आर जर्नली सिचुएटेड इन द हर्ट ऑफ द सिटी, कि सिटी के अपने सेंटर के ही सिचुएटेड हो, बट जे डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे इन्होंने लिए कैपीटल भी अपन ज़्यादा चाहिए है। ठीक है, ह्यूज कैपीटल इनवैसटमेंट, दीज रिटेल शॉप प्रोवाइड नंबर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये बहुत तरह की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, रीडिंग रूम। ठीक है, ये सारी सर्विस अपन प्रोवाइड की जाती है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग क्लीयर है। नैक्सट आप देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कंटीन स्टोर डिपार्टमेंट इंडिया दे विच है। ठीक है, amazon.com, वॉलमार्ट, ये सारे की है डिपार्टमेंटल स्टोर दे की है एग्जाम्पल आ। हुण आपां इहदी डेफिनेशन देखते हैं। जेम्स स्टीफनस दे अकॉर्डिंग ए बिग स्टोर इंगेज इन रिटेल ट्रेड ऑफ ए वाइड वरायटी ऑफ आर्टिकल अंडर द सेम रूफ, इट मीनस कि जो तो कोई एक बिग स्टोर आ, ठीक है, वो किन्दे विच रिटेल ट्रेड दे विच डील करता पिया, वरायटीज उनके कोल ज़्यादा वा, तो कितने इको छत दे हेठा ही वह डील करते पे आ, उन्हों आपां की कहिंदे आ डिपार्टमेंटल स्टोरस। नैक्सट आपां देखांगे इनके फीचरस की आ। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर दे इह तां आपां नूं क्लीयर हो गया कि इनके फीचरस की सी, कि इनके च लार्ज वरायटी ऑफ गुड्स हुंदी आ। हम देखो राजे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर दे की करैक्टरिस्टिक्स आ। फर्स्टली लार्ज स्केल रिटेल स्टोर, लार्ज लैवल ते हुंदा। सैकेंड, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शॉप्स अंडर वन रूफ, इको छत दे हेठा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शॉप्स होणगियां।
नैक्सट आ जाता ईच शॉप डील इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर एक शॉप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डील करती है। लोकेटड एट द सेंट्रली प्लेस ऑफ सिटी, ए मेनली सिटी के सेंटर प्लेस के लोकेटड होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। नैक्सट आ जाता दीज आर मैनेज बाय सेंट्रल मैनेजमेंट, सेंट्रल मैनेजमेंट द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। इन्हें वाइड वरायटी ऑफ गुड्स होंगे फ्रॉम पिन टू प्लेन, सारी वरायटीज प्रोडक्ट की आपां नूं अवेलेबल होएगी। सैवंथ पॉइंट आ जाता स्पैशल अटेंशन इज गिवन टू कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर सर्विस से भी इतने ज़्यादा अटेंशन पे की जाती है। नैक्सट आ जाता स्टोर एडवरटाइज देयर प्रोडक्ट, ठीक है, इस स्टोर की अपने प्रोडक्ट नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल एडवरटाइज करते हैं। नैक्सट आ जाता कोस्ट ऑफ ऑपरेशन इज क्यूट हाई, इन्हों के विचरा जो देखो जी आप किसी अपने कस्टमर इन सर्विस प्रोवाइड करते पे हाँ तो उनकी कोस्ट भी तो ज़्यादा होएगी, सो कोस्ट ऑफ ऑपरेशन इन्हें ज़्यादा होंगी है। नैक्सट आ जाता एफिशेंट फंक्शनिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर के हर एक डिपार्टमेंट एक स्पैसीफिक गुड्स के डील करता पाया ता करके उन्होंने उस प्रोडक्ट बारे पूरी नॉलेज होंगी है तो अपनी वधिया सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नैक्सट आ जाता कि ईच डिपार्टमेंट विद इन द स्टोर इज इनडिपेंडेंट, हर एक डिपार्टमेंट स्टोर के होंगे आ इनडिपेंडेंट होंगे आ, वो अपना डिसीजन अपने बिहाफ से ही लेंगे आ। दिस स्टोर मेक सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज सेल, वो परचेज तो इकट्ठे करते हैं बट की है सेल अलग अलग तो करेंगे। नैक्सट आ जाता इन दिस स्टोर द गुड्स आर जनरली सोल्ड ऑन कैश बेस, इन स्टोरस के गुड्स मोस्टली कैश बेसिस से ही सेल की जाए। आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, जो मीनिंग दे विच सी ओही मोस्टली पॉइंट नूं इन्हां ने निकाल के फीचर्स दे विच दस्या होया, तुसीं इन्हां नूं पढ़ लोगे ए भी पढ़ के आपां नूं मीनिंग क्लीयर होएंदा। सो आई होप तुहानूं सारे नूं समझ लग गई हो, थैंक यू।